क्या हालचाल है दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं टेकी गाय और ये है बोट ईयरडोप्स 121V2। दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर ईयरबड के अंदर आप लोगों को 14 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिल जाता है। सिंगल प्रेस में आप लोग जो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। सारे सारे फीचर के बारे में बात करूंगा दोस्तों, बताऊंगा आप लोगों को कैसा है ये, कैसी है दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी, क्या क्या फीचर्स आप लोगों को ईयरडोप्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोगों को बोट का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। उसके साइड में यहाँ पर ईयरडोप्स 121V2 की ब्रांडिंग मेंशन है। यहाँ पर मैं उसके कुछ जो की फीचर्स मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर मैं इमर्सिव साउंड, डुअल टोन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, टोटल प्लेबैक टाइम 14 आवर्स। साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं सीरी उसके साथ साथ गूगल असिस्टेंट यहाँ पर मैं जो मेंशन किया गया है। साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ मार्केटिंग वगैरह का है और पीछे साइड में भी यहाँ पर मैं कुछ इसकी टेक्निकल डिटेल वगैरह मेंशन है। अब हम लोग जो फटाफट से डब्बे को खोल लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग डब्बे को खोलेंगे तो ये आप लोग के सामने जो ईयरडोप्स निकल के आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर केस की क्वालिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा क्लासिक क्वालिटी का केस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को जो प्लास्टिक का देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं नीचे आप लोग देख सकते हैं, या आप लोगों को यहाँ पर मैं जो बैटरी इंडिकेशन आ रहा है कि कितने परसेंट बैटरी केस के अंदर जो है बची हुई है, ये आप लोगों को यहाँ पर मैं शो हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं जो ईयरडोप्स रखे हुए हैं, नीचे साइड की बात करूँ तो नीचे दोस्तों कुछ भी नहीं है और पीछे की साइड में यहाँ पर मैं इसको चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी का पोर्ट यहाँ पर मैं दिया हुआ है। और देख लेंगे डब्बे के अंदर हम लोग क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों डब्बे के अंदर आप लोगों को और एक छोटा जो है बॉक्स देखने के लिए मिलता है। जब आप लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है माइक्रो यूएसबी केबल, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स देखने में मिल रहे हैं दो। इसको आप लोग जो अपने ईयर की फिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग घूम जाते हैं तब आप लोग जो इसको यूज कर सकते हैं। जो दोस्तों माइक्रो यूएसबी केबल की क्वालिटी है वो आप लोग काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। इसको रख दे साइड में और देख ले कि और क्या है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक जो यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जा रही है, उसके साथ साथ एक जो वन ईयर का वारंटी कार्ड आप लोग को देखने में मिल रहा है और ये बोट का स्टिकर आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। सारी चीजें रख दे साइड में और बढ़ जाए हमारे मेन ईयरडोप्स की तरफ। अब इसके जो फीचर के बारे में बात कर लेते फटाफट से। सबसे पहला दोस्तों जो फीचर है इसका वो है यहाँ पर मैं सिंगल प्रेस, यहाँ पर मैं दोस्तों वॉइस असिस्टेंट है। उसके साथ साथ केस बैटरी इंडिकेटर आप लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। स्लिमलेस कंट्रोल एंड माइक है दोस्तों, लाइट वेट है, लगभग जो है 4 ग्राम के अप्रोक्स यहाँ पर मैं इसका जो वेट है, जो ईयरडोप्स है उसका वेट जो है 4 ग्राम है, तो जो काफी ज्यादा लाइट वेट है तो आप लोग के कान में जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये कुछ फीचर्स आप लोग को इस ईयरडोप्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब फटाफट से हम लोग इसकी साउंड, माइक और गेमिंग का टेस्ट कर लेते हैं। पहनने में तो दोस्तों काफी ज्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पर मैं, मतलब जब आप लोग इसको पहनेंगे तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि भाई ये जो है कहीं से गिर जाएंगे या फिर कहीं से जो है लूज आ रही है फिटिंग। काफी ज्यादा प्रॉपर फिट आप लोगों को जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिटिंग के मामले में दोस्तों मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगे। साथ ही साथ दोस्तों लुक वाइज भी मुझे जो है ये ईयरडोप्स काफी ज्यादा अच्छा लगे, काफी ज्यादा क्लासी लगे, एक दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी में यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। जब आप लोग इसको अपने कानों में डालेंगे तब आप लोगों को लुक वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम फील होंगे ये इसके प्राइस के हिसाब से। अब मैं फटाफट इसकी साउंड क्वालिटी का टेस्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। अब वक्त आता है आप लोगों को बताने का कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी। यहाँ पर मैं इसकी साउंड क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। यहाँ पर मैं जो हाईज है, लोज है और मिड्स है उसको काफी अच्छे से बैलेंस किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं जो बेस है वो जो है काफी ज्यादा पंची बेस है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मैं जो डीप बेस नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को डीप बेस चाहिए तब आप लोगों को जो है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा करने पड़ते हैं, तब आप लोगों को डीप बेस देखने के लिए मिलता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, पंची बेस आप लोगों को जरूर से यहाँ पर मैं देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो हाईज मिड्स और लोज है उसको काफी अच्छे से बैलेंस किया गया, मतलब जो छनछन वाली आवाज है और जो दुबदुब वाली आवाजें हैं वो जो है काफी ज्यादा प्रॉपर तरीके से आती है। साथ ही साथ अगर बात करूं लाउडनेस की तो काफी ज्यादा लाउड है। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि जब आप लोग इसको फुल वॉल्यूम पे भी प्ले करेंगे तब बाहर जो है बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। काफी सारे ईयरबड्स के अंदर दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप लोग इसको ज्यादा वॉल्यूम पे प्ले करेंगे तब बाहर जो है आवाज आने लगती है कि आप लोग क्या सुन रहे हैं। अब जो हम लोग फटाफट से इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी को जो टेस्ट कर लेते हैं, माइक्रोफोन की क्वालिटी जो है कैसी लग रही है। अब हम लोग जो फटाफट से इसका गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं।
जब मैंने दोस्तों यहाँ पर मैं इसके अंदर गेम्स खेले तब यहाँ पर मैं दोस्तों मुझे जो है लेटेंसी जरूर से फील हुई। अगर दोस्तों आप लोग एक प्रोफेशनल गेमर हैं या फिर अगर आप लोग जो इंटरमीडिएट भी हैं तब आप लोग जो इसको गेमिंग के लिए ना ही कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या होता है कि गोली पहले चल जाती है और आवाज़ बाद में आती है, तो वो सीन आप लोगों को जरूर से देखने के लिए हल्का फुल्का यहाँ पर मैं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग जो कैजुअल गेमर हैं तब कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। गेमिंग के हिसाब से मैं यहाँ पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ जो साउंड क्वालिटी है वो आप लोग काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है इस बजट में। अब फटाफट से बात कर ले कोई इसके प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा प्रोस की। यहाँ पर मैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जो प्रीमियम क्वालिटी का साउंड देखने के लिए मिल रहा है बजट में, तो वो एक बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तीसरी दोस्तों मुझे अच्छी चीज लगी इस एयरडॉप की, वो ये लगी कि यहाँ पर आप लोगों को जो बैटरी इंडिकेशन देखने के लिए मिलती है केस में कि यहाँ पर मैं जो कितनी बैटरी बाकी है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। अब बात कर ले कुछ इसके कॉन की। इसका दोस्तों एक कॉन मुझे लगा वो ये लगा कि यहाँ पर मैं जब आप लोग जो 80% वॉल्यूम से अबाव में जब आप लोग जो गाने सुनते हैं वॉल्यूम जब आप लोग जो 80% से हाई कर देते हैं तब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो ऑडियो डिस्टॉर्शन थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा, थोड़ी सी जो आवाज़ है वो दोस्तों फटती है 80% वॉल्यूम के बाद, लेकिन दोस्तों 80% के नीचे काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड आता है, आप लोग जो आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करूँ कंक्लूजन की कि क्या आप लोगों इसको परचेज करना चाहिए या फिर आप लोगों इसको स्किप कर देना चाहिए। काफ़ी अच्छे ईयरबड्स है दोस्तों जो आप लोग को बजट के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों 1500 के अप्रोक्स बजट है तब दोस्तों आप लोग इसको जरूर से कंसिडर करिए, एक जो है दोस्तों बेस्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए इस बजट में। इसकी दोस्तों बेस्ट बाय लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, एक बार दोस्तों उसको जरूर से चेक करिए ताकि कहीं आप लोग जो उसको महंगा ना परचेस कर लें। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी बोट एयरड्रॉप 121v2 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे मुझे कमेंट करना मत भूलना, मैं दोस्तों पूरा पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।